वेल, जब तक मैं इस वीडियो को बनाना स्टार्ट कर रहा था तभी मुझे एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें पता चलता है कि आप लोगों ने करा दिए हैं पूरे 500 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने सीरीज में देखा कि कैसे मैंने अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया वाइजैग घूमने का। फर्स्ट डे हमने याराड़ा बीच घूमा और सबमरीन म्यूजियम गए। फिर अगले दिन कैसे हमें हमारे वही ट्रेन वाले दोस्त वापस मिलते हैं और कैसे हम मस्ती करते हैं अरुकू वैली घूमते घूमते, आपने वो देखा। और जो आज का एपिसोड है वो भी काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मैं मिलाऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ जिनसे मिलके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और एक बीच भी जाएंगे हम। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक मिनट, ये तो वही इंट्रो है ना जो मैं लास्ट दो एपिसोड से चला रहा हूँ। तो चलो कुछ नया करते हैं। अरकू से आने के बाद काफ़ी थक चुके थे हम लोग, तो इसीलिए आराम से हम सोए और दूसरे दिन आराम से सुबह उठे। गुड मॉर्निंग गाइस, अनदर लवली डे इन वाइजैग एंड जस्ट वांटेड टू गिव यू वन रूम टूर, सो लेट्स गो, आई विल शो यू व्हाट ऑल वी हैव। और हाँ, ये हमारा लास्ट डे था वाइजैग में और इसी शाम हमें हैदराबाद के लिए निकलना था, तो हमने अपना बैग वगैरह पैक किया और उसी ओयो रूम के ऑफिस में हमने अपना बैग रख दिया। So we have kept our bags here and going to explore Vizag today. कैसे भी आज शाम को हम बाहर ही रहेंगे तो होटल लेने का कोई मतलब था नहीं। आज हमारा प्लान था दो जगह जाने का, एक तो कैलाश गिरी और दूसरा था बिमली बीच, लेकिन देखते हैं हम इसमें से क्या क्या कवर कर पाते हैं आज। चलिए let's go। हमें ऑटो वाले ने उस जगह छोड़ दिया था जहाँ से हम या तो रोपवे ले सकते थे या तो हम कोई बस या ऑटो हम बुक कर सकते थे कैलाश गिरी जाने के लिए। हमें बस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था और ऑटो शायद हमें काफ़ी महंगा पड़ रहा था, तो इसीलिए हमने ऑटो लिया नहीं। हमने सोचा क्यों ना रोपवे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या चार्जेस हैं। डिड यू सी दैट रश? अभी हमने सोचा है कि हम वो रोपवे में सीधा ऊपर जाएंगे कैलाश गिरी, अगर भीड़ ज़्यादा नहीं रही तो उसी में वापस आएंगे, अदरवाइज विल टेक बस। रोपवे में भी जाने के लिए काफी भीड़ थी जो आप देख सकते हो। हमारी बारी आने वाली है जाने की। So guys, let's go. Okay, so right now we are inside this rope and all set to go. रोपवे की काफ़ी अच्छी राइड लगी मुझे। जैसी रोप आपकी ऊपर की तरफ जाती है तो आपको पूरा वाइजैग दिखता है और वो समुद्र वगैरह। और ये देखो एक छोटा सा ड्रोन शॉट जैसा भी हमने लिया है, लग रहा है ना ड्रोन शॉट जैसा। इट वॉज अ डिसेंट राइड टिल हियर। थोड़ी गर्मी है अंदर, आई विश एक थोड़ा सा फैन होता अंदर तो मज़ा आ जाता। कैलाश गिरी में आपको शिव जी और पार्वती जी की मूर्तियाँ मिलती है बड़ी सी, लोग वहाँ प्रे करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। वो एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे फूल वगैरह थे और गार्डन भी था आसपास। यहाँ पे जो जितने फूल आपको दिख रहे हैं, इट्स वेरी कलरफुल, वाइट फ्लावर, पिंक फ्लावर। जो वहाँ पे शिवजी और पार्वती जी की मूर्ति थी वहाँ पे कुछ मान्यता भी थी जो हमें उप्पू बताएगा। वो ये प्लेस 1951 में इट वाज क्रिएटेड बाय ग्रेट प्रीस्ट योगनाथ एंड इसके अंदर जो लिखा हुआ है
ग्यारह क्या बोलते हो प्रदक्षिणा करते ना, हाँ ग्यारह प्रदक्षिणा करना है तो अच्छा रहता है बोल रहे हैं। फेमस है, बहुत बड़ा फेमस हिस्टोरिकल आइल टेम्पल ऑफ कैलासा। अगर 11 प्रदक्षिणा करके हमारा विश जो भी हम चाहते हैं वो पूरा हो गया तो यू नीड टू कम बैक एंड 108 प्रदक्षिणा करके वी हैव टू शो योर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक द गॉड। पीपल फ्रॉम हैदराबाद कैन रिलेट। सो हमारा चिल्कुल बालाजी है ना, इवन देयर आई थिंक वी हैव टू डू 11 राउंड्स एंड इफ यू मेक अ विश देयर, यस यस, इफ इट गेट्स फुलफिल्ड यू हैव टू डू 108, या फॉर समथिंग लाइक दैट। बट इट डिपेंड्स, आप अगर मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन दिल से अगर मानते हो तो दैट्स इनफ। चलिए आपका अगर कैलाश गिरी जाने का कभी भी चांस बनता है तो रोप वे में ही जाना, क्योंकि वहाँ से व्यू आप ही देख रहे होगी कितना खूबसूरत है। Done with the rope way, done with Kailash Giri, and right now we are going to the next location. We'll show you what is our next location, but till now you can enjoy this view, a very beautiful view of the sea. Let's go. कैलाश गिरी से जब हम नीचे उतर गए थे तो हमने एक ऑटो बुक करी डायरेक्ट बिमली बीच के लिए, लेकिन हमें लग रही थी काफी भूख। Now we are on the way to Bimli Beach. अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हम कोई ना कोई होटल ढूंढ रहे हैं, तो हम रुके राजू ढाबा पे। So it's food time. Let's go for lunch. तो राजू ढाबा के बारे में भी हमने किसी से सुना था, इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे हम लंच करते हैं। एम्बियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एकदम गाँव की तरह छत वगैरह बनी हुई थी। We came to Raju Dhaba, which is on the way to Bimli. और एक चीज़ बताऊँ, जैसे हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो कभी ना कभी हम रिव्यूज़ पूछते हैं लोगों से, या फिर हम कोई सामान खरीदते हैं तो रिव्यूज़ पूछते हैं। It's good. Good. यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही किया, रिव्यू लिया। We got the reviews, but let's see how we find it. And Selfish is waiting for his sambar rice. Sorry guys, so you have very less veg options over here. तो इस ढाबे में नॉन वेजिटेरियन काफ़ी फेमस है, लेकिन हमारे साथ वेजिटेरियन दोस्त भी हैं तो इनके खाने के लिए क्या है। तो हमने अपना खाना ऑर्डर किया और बस हम खाने का वेट ही कर रहे थे। अगर अच्छा रहा तो विल सजेस्ट यू टू कम हियर, एंड द लोकेशन यू कैन सी बिहाइंड मी, इट्स रियली गुड। अभी मुझे काफ़ी बड़ा ग्रुप आ रहा है, कम से कम 25 से 30 आदमी लोग थे उसमें। उनसे हमारी हाई हेलो हुई और पता चला Met some lovely people. These big brothers. Hi. Hi. Srinivas, my name. Myself, Manoha. I'm Satish Kumar. And Arvind. Sundiraj. And Ravi. And Satyare. Shirdi. Like we have a bunch of guys here, 25. Like we completed our 10th class in 1991. Oh. And it's a tour, like, you know, okay. And the celebrations, like, of completing of 27 years, 25, and like you can say, Silver Jubilee celebrations of our schooling, completed. Yeah. So isn't it awesome? Wow. आपने सुना? Almost 27 years से साथ में हैं, और जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तब उनको almost 30 years साथ हो जाएंगे। ये कितना मोटिवेटिंग है यार। You know, within 2 or 3 years, people get separated. So these guys are very lucky that they are together since 27 years. So I just thought we'll introduce everyone. So thank you so much. Thanks a lot. Thanks. Cheers. Thanks a lot and love you. खाना ना खा के पेट वेट फुल हो चुका था। हमने अपना ऑटो तो बुक कर ही रखा था, बस हम ऑटो में बैठे और निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हम जा रहे थे बिमली बीच, और बिमली बीच जाते जाते हमने राइट साइड में देखा एक और बीच है, उसका नाम हमें पता नहीं था और आज तक पता नहीं है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन हमें जाना था बिमली बीच। Finally, we have reached Bimli Beach.
plan abhi Vimli Beach ka ye hai ki we'll just sit back and relax. And why are we excited so much about this beach is because of this. और हमने इस ट्रिप में अभी तक फ़ोटोशूट अच्छे से कराया नहीं था. भीमली बीच के बारे में हमने काफ़ी सुना था तो हमने सोचा कि यहाँ पे फ़ोटोशूट हम ज़रूर करवाएंगे. तो हमने भी यहाँ की कुछ यादें कैप्चर कर ली. तो भीमली बीच भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे मोस्टली फ़िशिंग होती है. आर के बीच जाओगे या यारड़ा बीच जाओगे तो वहाँ पे उतनी फ़िशिंग वगैरह हमें दिखी नहीं, लेकिन भीमली बीच में जैसे आप आओगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फ़िशिंग होती है. और हमने यहाँ पे काफ़ी मछुआरे भी देखे अपने फ़िशिंग नेट्स को बनाते हुए. तो हम लोगों ने 3 दिन में ऑलमोस्ट 3 बीच देख लिया था और इन सब में से अच्छा हमें अब तक यारड़ा बीच ही लगा था. थोड़ा सा अनटाइडी है, भी अच्छे लोकेशंस हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अनटाइडी है बीच, सो सॉरी, बट आई थिंक आफ्टर सीइंग भीमली आरके बीच एंड दिस बीच आई थिंक यारड़ा इज द बेस्ट. या यारड़ा इज द बेस्ट. यारड़ा इज द बेस्ट. या तो अब तक हम यही सोच रहे थे कि यारड़ा ही बेस्ट है, लेकिन मतलब गाइज अगर आप विशाखापट्टनम जाते हो तो इस जगह को मिस मत करना. मतलब वो बीच ऐसा था जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना कि एक आइलैंड है, कोई नहीं है चारों तरफ, सिर्फ आप लोग हो, समुद्र है. और इसकी अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये आता है आर के बीच और भीमली बीच के बीच में, तो बीच बीच के बीच में आता है. तो हमारा जो सबसे बेस्ट टाइम था बीच का वो मुझे लगता है कि इसी बीच में था. मैंने अपने एक सॉन्ग के लिए यहाँ पे वीडियो शूट भी कर लिया जो आप आई बटन में चेक कर सकते हो. और भी हमने काफ़ी मस्ती की यहाँ पे बैठे रहे और ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला था लेकिन हमें निकलना था अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए. तो हम वहाँ से 5:30 तक निकल चुके थे. स्वीट्स खरीदे, अपने लिए खाना लिया, ट्रेन में आए. अब देखो ट्रेन में पहुंचते हैं हमारे साथ क्या. राइट नाउ इन द रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम. हमने अपना खाना ले लिया है, मस्त पैकिंग करके दिखाओ ना. जैसे हम ट्रेन में पहुंचे हमें वही दोस्त वापस मिल गए जो हमें विशाखापट्टनम आते समय मिले थे और जिनके साथ हमने अरकू का सारा ट्रिप किया था. तो मतलब एक तरीके से ऐसा हुआ कि हम आते समय भी मिल गए और हम जाते समय भी मिल गए. वी बोर्डेड द ट्रेन, बीच में हमारा है, लोग का बीच से रिलेटेड भी रिले एंजॉय योर कंपनी. ओ बाय कंप्लीट बाय गुड बाय. सो हैदराबाद आल्सो विल बी इन टच एंड विल प्लान सम ट्रिप देयर मे बी आउटसाइड एनी टाइम आल्सो. बाय बाय बाय. थैंक यू सो मच. तो इसी के साथ हमारा विशाखापट्टनम का ट्रिप खत्म होता है, लेकिन जो ट्रैवल स्टोरीज़ की हमारी सीरीज़ है इसमें और स्टोरीज आना बाकी है मेरे दोस्त. तो कहीं जाने का नहीं, अगले सैटरडे रात 8 बजे यही मिलता हूँ आपको एक नई जगह के साथ, एक नई स्टोरी के साथ. अगर यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना. मिलता हूँ मैं आपको अगली सीरीज़ में बहुत जल्द. तब तक अपना ख्याल रखिए. बाय.